अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और बहुत ही भरपूर तरीके से सर्दियां दुबई में आ चुकी हैं और लास्ट वीक बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं यहाँ पर, और अब जाके मौसम थोड़ा बेहतर हुआ है। तो चलें आज का व्लॉग हम यहीं से स्टार्ट। और ये है मेरा वीकेंड व्लॉग, और मैंने बनाया था अरबिक ऑमलेट जिसे शुक्शुका भी कहते हैं, और मुझे प्रॉपरली इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं आती कि इसे क्या कहते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, तो आपको ये ज़रूर ट्राई करनी है। यहाँ मैंने ऑयल ले लिया है और तकरीबन मैंने 3 मीडियम चॉप प्याज इसमें ऐड कर दी थी, 3 मीडियम टोमेटोज इसमें ऐड कर दिए थे, और मैंने इसे सिमर करने 2 से 5 मिनट रख दिया था। जैसे ही सॉफ्ट हो गए हमारे यहाँ पर टोमेटोज, उसको मैंने हल्का हल्का चॉप कर लिया, और हरी मिर्चें, नमक और चिली फ्लेक्स ऐड कर दिया है, और यहाँ पे मैंने 3 अंडे डाल दूँगी। यहाँ मैंने 3 eggs ऐड कर दिए हैं, और मैं लाइट सा इसको थोड़ा सा ओपन कर दूँगी ताकि एग हर जगह स्प्रेड हो जाए, और इसके बाद मैं स्प्रिंकल करूँगी सॉल्ट और इसे सिमर करने रख दूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए ताकि एग फुली कम्प्लीटली इसमें कुक हो जाए। और यहाँ पे हमारा ये ऑमलेट, अरबिक ऑमलेट बिल्कुल रेडी है। गार्निश करें हरे धनिया के साथ और इसे इंजॉय करें। तो आज हम लोग को का प्लान बना कोर फकान जाने का, एंड बहुत दिन से प्लान था लेकिन फाइनली इसे हमने इम्प्लीमेंट कर लिया, और मैंने फर्स्ट टाइम दुबई में माउंटेन्स देखे एंड इट वॉज़ फिनोमिनल। बहुत ही ज़बरदस्त जगह है ये, और थोड़ी सी दूर है तकरीबन 1.5 hours लगा था खोफ फकान पहुँचते, एंड बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही ज़बरदस्त जर्नी थी ये। मैंने काफ़ी सारे माउंटेन्स देखे और काफ़ी हैरान भी थी कि दुबई में ये वाली भी प्लेस है, और आप लोगों को भी ये जगह विज़िट करनी चाहिए, लेकिन ओनली डे टाइम के लिए ये बेस्ट है। और बहुत अच्छा था हमारा टाइम, और यहाँ पे मैं हम लोग समंदर की साइड पर गए थे खोर फकान पर, और बहुत ही अच्छा बना हुआ है बच्चों के लिए, प्लेलैंड भी बनाया है यहाँ पर, एंड थोड़ा सा हम लोग मैंने सी साइड भी इंजॉय किया, और ठंड में तो ये जगह बहुत ही ज़बरदस्त लग रही थी टू बी ऑनेस्ट। एंड आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर लाइक एंड कमेंट में मुझे बताइएगा। एंड यहाँ पे मैंने अपने रबीत को जंपिंग एरिया में छोड़ दिया था, थोड़ा सा उसे फ़न करना था, और मैंने सोचा क्यों ना आपको थोड़ा सा समंदर का, थोड़ा सा बीच का व्यू भी दिखाया जाए यहाँ पर, और माउंटेन्स एंड बीच, इट्स लुक सो ब्यूटीफुल। और ये शाम का टाइम था, एंड एज यू कैन सी के कितना खूबसूरत लग रहा है। उस वक्त अजान हो रही थी मगरिब की, और बेशक ये अल्लाह ताला की कायनात है, और ये खूबसूरती जहाँ जहाँ फैली हुई है ये अल्लाह ताला की यू नो क्रिएटिविटी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी जगह थी, तो हमने बहुत इन्जॉय किया। और जो जो दुबई में रहता है तो आई वुड फुली रिकमेंड यू कि खोर फकान को विज़िट करें, इट वॉज वेरी 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 ब्यूटीफुल विज़िट, एंड बहुत मज़ा आया। और बच्चों के साथ आप लोग डे टाइम में आएँ, इन्जॉय करें, सी साइड इन्जॉय करें। एंड तो चलें इस व्लॉग को इसी नोट पे एंड करते हैं कि अपना बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और लाइफ बहुत शॉर्ट है, इसे हर तरीके से इन्जॉय करें। मुश्किलात आती हैं और फिर चली भी जाती हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला ने आपको बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी ब्लेस की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। एंड वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये व्लॉग और ये खोर फकान का छोटा सा विज़िट कैसा लगा। तो अपना ख्याल रखें, एंड मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ फिर से हाज़िर होंगी, और दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।
हैं।